हाय फ्रेंड्स, आज हम टीचर्स डे स्पेशल केक बनाने वाले हैं। और आज का ये जो केक है वो क्लोज बुक शेप में बनने वाला है। आज का केक हाफ केजी चॉकलेट फ्लेवर में बनने वाला है, तो मैंने यहाँ पे हाफ केजी के रेक्टेंगल टिन में ये स्पॉन्ज बना के लिया है। इस स्पॉन्ज को मैं अभी थोड़ा सा ऊपर से कट कर रही हूँ। अब मैं इसे टू लेयर्स में कट कर रही हूँ। ये देखिए, अभी अपना स्पॉन्ज कट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 10 इंच का बेसबोर्ड लिया है और इसके ऊपर मैंने स्पॉन्ज अपना रख दिया है। स्पॉन्ज जो है वो ऐसे खड़ा रखना है, ये स्पॉन्ज का बेस वाला पार्ट है। अब मैं स्पॉन्ज की शुगर सिरप से सोकिंग कर रही हूँ। ये चॉकलेट फ्लेवर का केक है, तो मैं अभी स्पॉन्ज के ऊपर मूस अप्लाई कर रही हूँ। मूस को पैलेट नाइफ से फैलाना है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ। चॉकलेट सिरप को पैलेट नाइफ से फैलाना है। अब मैं इसके ऊपर चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ। अब मैं स्पॉन्ज का टॉप वाला लेयर उल्टा करके केक के ऊपर रख रही हूँ। बीच की गैप हमें मूस से भरनी है। अब मैं स्पॉन्ज की शुगर सिरप से सोकिंग कर रही हूँ। अब पैलेट नाइफ से मैं केक की साइड लेवलिंग कर रही हूँ। अभी केक के कॉर्नर के यहाँ जो गैप रह गया है वो भी हमें क्रीम से फील करना है ताकि केक के एजेस शार्प हो। अब हमें इसकी लेवलिंग करनी है। अब मैं केक के ऊपर थोड़ा मूस अप्लाई कर रही हूँ, इससे हम केक की क्रम कोटिंग करेंगे। जहाँ पे भी हमें ऐसे लग रहा है कि थोड़ा गड्ढा है वहाँ पे हमें वापस थोड़ी क्रीम लगानी है और ये जो सरफेस है उसे प्लेन करके लेना है। ये देखिए, अभी अपने केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है और मैंने केक के एजेस जो है वो भी शार्प कर लिए हैं। इससे अब हम बुक बनाने वाले हैं। तो केक की ये साइड, ये और ये, ऐसे करके तीन साइड्स के ऊपर हम रेगुलर जो अपनी व्हिप क्रीम आती है वो मैं अप्लाई करने वाली हूँ, जिससे ये पेजेस है ऐसे लगेगा। अब इन साइड्स को हमें फिनिशिंग देनी है। जहाँ पे गैप है ऐसे लग रहा है वहाँ पे हमें क्रीम फिल करनी है। अब यहाँ से जो ऊपर क्रीम आई है उसे हमें अंदर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए, अभी मैंने बुक के साइड्स को फिनिशिंग दे दी है। अब हमें ये ऐसे दिखाना है कि ये बंद पेजेस है, ऐसे लगना चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पे ट्रायंगुलर स्क्रैपर लिया है और इसे मैं अभी केक के साइड के ऊपर घुमाने वाली हूँ, जिससे पेजेस का इफेक्ट आएगा। सिंपली लेना है और घुमा देना है। ये देखिए, अब यहाँ पे पेजेस की तरह दिख रहा है। अब मैंने व्हिप क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया और ऐसे लाइट येलो कलर की शेड करके ली है। अब मैं इसी क्रीम से अपने बुक का कवर बनाने वाली हूँ। आपको अगर चाहिए तो दूसरा कौन सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। क्रीम को सिर्फ यहाँ और यहाँ ही अप्लाई करना है, बाकी तीन जगह पे नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे हमने पेजेस बनाए हैं बुक के। अब हमें इसे फिनिशिंग देनी है। अब हमारी केक को फिनिशिंग देके हो चुकी है। केक के इस पार्ट को अभी भी इतनी फिनिशिंग नहीं हुई है, ये एकदम परफेक्ट नहीं है, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अभी N7 नंबर नोजल से बॉर्डर बनाने वाले हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये सब जो है वो उसके नीचे छुप जाएगा और परफेक्ट दिखेगा। अब मैं केक के ऊपर की बॉर्डर पहले बना लेती हूँ। कॉर्नर से स्टार्ट करना है, हाफ शेल डिज़ाइन बनाते जाना है।
अब जैसे हमने केक के ऊपर की बॉर्डर की है, वैसे ही हमें केक के नीचे भी बॉर्डर बनानी है। अब हमें केक के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में भी बॉर्डर बनानी है। अब मैं बुक के इस साइड में डेकोरेशन करने वाली हूँ, स्टार फ्लावर्स बनाने वाली हूँ यहाँ पे। अब हम पॉलीथीन बैग की मदद से बुक के कवर के ऊपर डेकोरेशन करने वाले हैं। पॉलीथीन बैग से मैं रोजेस बनाने वाली हूँ और वो हम केक के ऊपर स्टैम्प करने वाले हैं। तो अभी मैं केक को फ्रिज में सेट करने के लिए रखती हूँ। ये जब भी हमें करना है स्टैम्पिंग, उससे पहले हमें फ्रिज में केक को 2 से 3 घंटे तक सेट करना है, ताकि ये जो नरम क्रीम है वो सेट हो जाए। तो जब हम पॉलीथीन बैग से रोजेस का इम्प्रेशन यहाँ पे देंगे, तो फिर आसानी से हम दे पाएंगे। तो अभी मैं केक को फ्रिज में सेट करने के लिए रखती हूँ। अब मैंने यहाँ पे थैली में हवा भर ली है और थैली का मुंह इस तरह से बंद कर लिया है। अब इस थैली से हम रोज फ्लावर्स बनाने वाले हैं, इससे हम इम्प्रेशन लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर पैलेट में ग्रीन और रेड कलर लिया है। अब मैंने यहाँ ग्रीन कलर में व्हिप क्रीम ऐड की है और उसे मिक्स करके अपना कलर जो है वो इस तरह से गाढ़ा हो गया है। रेड कलर में भी हमें व्हिप क्रीम मिक्स करनी है, इसे भी गाढ़ा करके लेना है। अब मैंने यहाँ पे पैलेट में भी रेड कलर ही ऐड किया है, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्रीम ज़्यादा ऐड की है ताकि हमें लाइट शेड मिले। इसे भी हमें मिक्स करना है ताकि हमें लाइट शेड मिले रेड की। अब हमारे कलर्स रेडी हो चुके हैं। पॉलीथीन बैग के ऊपर मैं कलर्स अप्लाई करने वाली हूँ और उससे हम रोज़ बनाने वाले हैं। अब मैंने पॉलीथीन बैग ली है और इसके ऊपर मैं इस तरह से कलर अप्लाई करने वाली हूँ कि इसे हम इस तरह से केक के ऊपर प्रेस करेंगे तो रोज़ फ्लावर बनना चाहिए। अब पहले मैं डार्क रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। हमें फ्लावर जितना बड़ा बनाना है उतना ही कलर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं रेड की लाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ। अब रोज़ के हमें पत्ते भी दिखाने हैं, तो बीच में हमें पत्तों की तरह लाइन दिखानी है। ये देखिए, इस तरह से अभी अपनी पॉलीथीन बैग दिख रही है। इससे अभी हमें स्टैम्पिंग करनी है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था बनाते बनाते, तो उसे मैं ठीक कर रही हूँ। अपनी पॉलीथीन बैग जो है वो ही अंदर चली गई, तो उसके वजह से फिनिशिंग ख़राब हो गई थी। तो अभी मैंने वापस कलर अप्लाई किया है पॉलीथीन बैग के ऊपर और अभी मैं वापस ट्राई करती हूँ। इस टाइम भी अपनी कोशिश फेल गई है, तो वापस मैं इसे रिपेयर कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं लेमन येलो कलर की क्रीम वापस अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये छुप जाए। तो मैं यहाँ पे अभी पैलेट नाइफ को नीचे की तरफ खींच रही हूँ ताकि पैटर्न बने। अब इस फ्लेक्सिबल प्लास्टिक स्क्रैपर की मदद से ये जो क्रीम है उसे मैं नीचे की तरफ खींचती हूँ। यहाँ का पोर्शन बिगड़ गया था, पर अभी मैंने इसे ठीक कर लिया है। पहले मैंने सोचा कि पैलेट नाइफ के मदद से टेक्सचर इफेक्ट दूँ, पर वापस मैंने ऐसे सोचा
कि जो डिज़ाइन हमें बनानी है पॉलीथीन बैग से वैसे ही बनाएंगे। तो फिर मैंने इसे थोड़ा क्लीन कर लिया है। अब मैं केक को वापस फ्रिज में सेट करने के लिए रखती हूँ और दूसरी पॉलीथीन बैग यूज़ करके हम वापस वो ही डिज़ाइन ट्राई करेंगे। अब पहले मैंने ये वाली पॉलीथीन बैग यूज़ की थी, ये थोड़ी सी हार्ड थी, तो अब मैं इस टाइप की पॉलीथीन बैग यूज़ करने वाली हूँ। ये सॉफ्ट है, इसे यूज़ करके हम देखते हैं अभी फ्लावर्स कैसे बनते हैं। इस पॉलीथीन बैग में भी मैंने हवा भर ली है और इसका मुंह इस तरह से रबर बैंड से क्लोज कर लिया है। अब इसके ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे वापस। देखेंगे डिज़ाइन हमें चाहिए वैसे ही बनती है या नहीं। मैं तो हार मानने वाली नहीं हूँ, वापस ट्राई करूँगी। अब ग्रीन कलर के पत्ते बनाने हैं। अब मैंने पॉलीथीन बैग को कलर कर लिया है, अब इससे हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इस कॉर्नर पे मैं करती हूँ प्रेस। ये देखिए अभी हमारा फ्लावर बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे कलर में थोड़ा पानी ऐड कर लिया है ताकि हमारी जो ये कलर वाली व्हिप क्रीम है वो लूज़ हो जाए, तो इससे हम आसानी से प्रिंट बना पाएंगे। इम्प्रेशन देने के बाद यहाँ का कलर कम हो जाता है, तो वापस हमें वहाँ पे कलर अप्लाई करना है। अब मैंने वापस पॉलीथीन के ऊपर कलर अप्लाई किया है, अब हम यहाँ पे प्रिंट लेते हैं। ये देखिए अभी अपनी रोजेस की प्रिंट बराबर से आ चुकी है। मैंने यही गलती की थी कि मैंने पॉलीथीन बैग जो थी वो पहली हार्ड वाली ली थी। ये इस तरह की जो पॉलीथीन बैग है इसको यहाँ से नोक है, देखिए आप देख सकते होंगे। तो मैंने इम्प्रेशन के लिए जब इसे प्रेस किया इसके ऊपर तो नोक होने के कारण वो अंदर चला गया और ये जो क्रीम है अपनी वो ऊपर की डैमेज हो गई। तो मैंने अभी ऐसे किया कि पॉलीथीन बैग ही चेंज कर दी। ये ऐसे सॉफ्ट है, इसकी नोक है वो भी सॉफ्ट है, वो प्रेस करने के बाद क्रीम के अंदर जाती नहीं है, तो उसके वजह से ये जो इम्प्रेशंस है वो प्रॉपर आ गए। अब हमारे रोजेस तो बन गए हैं, अब हम आगे के डिज़ाइन करते हैं। अब केक के इस पोर्शन पे मैं टूथपिक की मदद से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैंने पाइपिंग बैग में ये लाइट येलो कलर की व्हिप क्रीम भर ली है और आगे से थोड़ी पाइपिंग बैग मैंने कट कर ली है, और इससे मैं अभी ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर पर्ल डिज़ाइन में बनाने वाली हूँ। यहाँ पे थोड़ी बॉर्डर क्रॉस हो गई थी, उसके वजह से मैंने डबल बॉर्डर कर ली, तो अभी ये देखिए कैसे स्ट्रेट और ठीक लग रहा है। अब मैं यही पाइपिंग बैग यूज़ करके यहाँ पे जो बुक के कवर के कॉर्नर्स है वहाँ पे डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। सिंपल इस तरह से लाइन बनाने हैं। यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा क्रीम आ गई है, वो मैं टूथपिक की मदद से बाजू कर रही हूँ। ये डिज़ाइन बनाने के वजह से यहाँ पे ऊपर जो पोर्शन थोड़ा सा खराब हुआ है वो अभी छिप रहा है और समझ में नहीं आ रहा। अब मैं बुक कवर के ऊपर पर्ल्स ऐड कर रही हूँ, ये एडिबल पर्ल्स है। अब मैं छोटे एडिबल पर्ल्स ऐड कर रही हूँ।
अब केक के ऊपर हमें हैप्पी टीचर्स डे लिखना है यहाँ सेंटर पे, तो मैं यहाँ क्रॉस लिखने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं है। ये देखिए अभी अपना केक रेडी हो चुका है। अभी केक तो पूरा हो चुका है पर केक बनाते समय बहुत उलझनों का मुझे आज सामना करना पड़ा। मुझे जितना इजी लग रहा था ये केक बनाना उतना इजी नहीं रहा। केक बनाना आसान है पर जब मैंने ये बुक के कवर के ऊपर पॉलीथीन से इम्प्रेशन लेना स्टार्ट किया तो गलत पॉलीथीन बैग के सिलेक्शन के वजह से यहाँ पे मैंने गलती कर दी। तो मेरे इस गलती से आप भी सीख सकते हो कि जब भी आपको इस तरह से फ्लावर का इम्प्रेशन लेना है पॉलीथीन बैग से तो पॉलीथीन बैग जो है वो सॉफ्ट लेनी है, पतली लेनी है, तो आप प्रॉपरली इम्प्रेशन ले पाओगे। तो इस टाइप का इम्प्रेशन लेते समय आपको दो चीज़ें एकदम माइंड में रखनी है। एक तो आपका केक जो है वो प्रॉपर सेट होना चाहिए और दूसरी चीज़ पॉलीथीन जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। अभी ये जो केक बनाया है उसकी डिजाइन तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, आप लोगों को कैसे लग रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गलतियां तो होती ही रहती है, हमें गलतियों से सीखना है और हार ना मान के आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है और आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।